कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स टू मेक एटीपी एंड इनका रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका है, फोटोऑटोट्रॉप्स का है या कीमोऑटोट्रॉप्स का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th, ओके, एंड इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, एग्जाम्पल्स लर्न नहीं होते हैं, है ना, टाइप्स लर्न नहीं होते हैं, तो उसी चीज को मैंने आपके लिए ईजी करने के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की, आप पढ़ लोगे ना तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है वीडियो नंबर 1, ऐसे ही क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है तो इसमें काफी वीडियोस बनानी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम, ठीक है। आप लोगों ने 5 किंगडम तक तो सुना ही है विटेकर वाला, 6 किंगडम भी 11th में ऐड हो जाता है क्लास 11th में। तो जो 2 किंगडम सिस्टम है इट वॉज गिवन बाय लिनेयस एंड इसमें 2 किंगडम्स आते थे, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम जो था इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल और इसमें आता था प्रोटिस्टा, मतलब थर्ड नंबर पे जो ऐड हुआ दैट वॉज प्रोटिस्टा, क्योंकि पहले से 2 तो थे ही, फर्स्ट और 2, है ना, एनिमिलिया बोलो या प्लांटे बोलो, और थर्ड नंबर पे क्या ऐड हुआ, प्रोटिस्टा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कोपलैंड एंड 4th नंबर पे जो ऐड हुआ था किंगडम दैट वॉज मोनेरा, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय आरएच विटेकर, पूरा नाम आरएच विटेकर है, और इसमें फंगस ऐड करा गया था, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड नंबर पे क्या ऐड हुआ है, 4th नंबर पे क्या ऐड हुआ है, 5th नंबर पे क्या ऐड हुआ है। नेक्स्ट है 6th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट वॉज गिवन बाय कार्ल वूस एंड इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, अलग कोई नया किंगडम यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। जो मोनेरा है ना उसमें पहले आर्किया और यू बैक्टीरिया एक साथ रखे हुए थे, इन्होंने सिर्फ उन दोनों को अलग अलग कर दिया, आर्के बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से सेपरेट कर दिया, इन दिस मैनर 6 किंगडम बन गए, ठीक है। कौन कौन से 6 किंगडम, प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। मोनेरा आप हटा दीजिए अब, क्योंकि मोनेरा को तो 2 पार्ट्स में कर दिया है ना, तो इसलिए 6 किंगडम बन गए, राइट। इस पर पूरी डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है बेटा, मेरे चैनल पे आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है ना तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। आगे देखो ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, जो 2 किंगडम सिस्टम था दैट वॉज गिवन बाय लिनेयस, उसका ड्रॉबैक ये था कि इस सिस्टम में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया किस किस के बीच में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी को एक ही साथ रख दिया, उनको डिस्टिंग्विश ही नहीं किया। सेकेंडली कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया। थर्ड ड्रॉबैक इज कि ये फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ठीक है। एंड फोर्थ इज मेनी ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दोनों कैटेगरी प्लांटे एनिमिलिया किसी में भी नहीं आ रहे थे, फिर भी उन्होंने उनको रख दिया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल्सो द ड्रॉबैक। नेक्स्ट देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किस किस चीज़ों पर बेस्ड थी। तो सबसे पहला है सेल कॉम्प्लेक्सिटी, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी कैसी है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। तो दीज 5 पॉइंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है जो वोज की 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, वोज ने क्या किया था, बेस्ड ऑन सिक्वेंस ऑफ 16S rRNA, 16S rRNA के सीक्वेंस के बेसिस पे उन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज 3 डोमेन्स आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स इन्होंने दिए थे, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आते थे, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर आते थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है। तो ये सारे ही यूकैरियोट्स हैं, तो ये यूकैरिया में आ गए, बैक्टीरिया में खाली बैक्टीरिया और आर्किया में सिर्फ आर्की बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोनेरा की फीचर्स यहाँ बता रखे हैं, इस वीडियो में मैं मोनेरा तक ही डिस्कस करूंगी, अगले वीडियोस में हम प्रोटिस्टा फंजाई के बारे में बात करेंगे। सो ये मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर मेनली बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया ही तो आते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स, इनमें जो डीएनए होता है दैट इज नेकेड, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, जो डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, बट उसकी जगह पे पॉलीअमाइंस बेसिक प्रोटीन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, ये आपको पता है सबको। नेक्स्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मीजोसोम्स के फॉर्म में इनफोल्डिंग शो करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उन इनफोल्डिंग्स को हम मीजोसोम्स बोलते हैं, और मीजोसोम सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही मिलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। तो इनके पास एक तो इनका मेन डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, दिस इज देयर मेन क्रोमोसोम, ठीक है ना, ये इनका मेन क्रोमोसोम है। इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं समझ आ गया ना, क्योंकि ये तो मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा भी एक क्रोमोसोम है, दैट इज प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल। और प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है एपिसोम, ठीक है। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के शेप्स के बेसिस पर बैक्टीरिया आर ऑफ फोर टाइप, कोकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। कोकस मीन्स स्फेरिकल बैक्टीरिया आएंगे ऐसे राउंड, बैसिलस मीन्स रॉड शेप ऐसे रॉड लाइक बैक्टीरिया आएंगे, विब्रियो में कॉमा शेप बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, इस तरह से, एंड स्पाइरलम में स्पाइरल बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल है, नॉन मोटाइल, दोनों तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लैजिला होगा तो वो मोटाइल होंगे, और मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया होते हैं ना अपने पास वो मोटाइल ही होते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो नॉन मोटाइल होंगे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेसिस पे जो हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम स्टेन लेते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई, पर्पल कलर की डाई होती है, उसके बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव आर दोज विच रिटेन्स द स्टेन, ग्राम नेगेटिव आर दोज विच लूजेज द स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनके पास ना सैप वैक्यूल नहीं होते, जैसे प्लांट्स में वैक्यूल है ना, उस तरह के वैक्यूल्स इनके पास नहीं है, दे हैव गैस वैक्यूल। बैक्टीरिया में हमेशा गैस वैक्यूल होते हैं जो उनको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लोट करने के लिए, वाटर में उनको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो होती है बेसिकली दो तरह की है, वैसे तो आप अगर हम मेनली बात करें तो दो तरह की ही होती है, एक तो ऑटो और एक हेट्रो, ठीक है ना। ऑटो के ये दो टाइप्स हैं जो यहाँ बात कर रही हूँ, हेट्रो इसके बाद बात करेंगे हम लोग। सो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? सो फोटो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लाइट को यूज़ करेंगे। और कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो लाइट को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये केमिकल्स की ऑक्सीडेशन से फूड बनाएंगे, केमिकल्स को यूज़ करेंगे। अब देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स फर्दर दो तरह के हैं, वन इज फोटो लिथोट्रॉपिक एंड वन इज फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। फोटो लिथोट्रॉप्स यूजेस इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स एंड फोटो ऑर्गेनो यूजेस ऑर्गेनिक नॉन सल्फर कंपाउंड, ये सल्फर वाले कंपाउंड यूज नहीं करते। अब इन पे फर्दर टाइप्स देखिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और इसमें आएंगे पर्पल नॉन सल्फर, क्योंकि ये सल्फर यूज नहीं कर रहे और कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर सकते हैं अदर देन सल्फर, और ये हैं ग्रीन नॉन सल्फर, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखिए, क्रोमैटियम पर्पल सल्फर है, ग्रीन सल्फर में क्लोरोबियम, पर्पल नॉन सल्फर में रोडोस्पाइरलम एंड ग्रीन नॉन सल्फर में क्लोरोनीमा। दीज एग्जांपल्स आर मोर देन इनफ, अगर आपसे बाकी एग्जांपल्स लर्न नहीं होते आप इतने एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं एक एक। इसमें जो पिगमेंट होता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, पर्पल कलर का पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या बैक्टीरियो परप्यूरिन भी बोलते हैं बहुत सारी बुक्स में, और ग्रीन वाले में जो होता है बैक्टीरियो विरिडिन। यहाँ मैंने पिगमेंट्स नहीं लिखे हैं बिकॉज सेम पिगमेंट्स इनमें मिलेंगे, राइट। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स टू मेक एटीपी, एंड इनका रोल है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मेजर रोल किसका है, फोटो ऑटोट्रॉप्स का है या कीमो ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। नेचर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कीमो ऑटोट्रॉप्स का रोल होता है। तो ये बहुत सारे तरह के इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब उसी के बेसिस पे इनके टाइप्स हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन को यूज़ करके फूड बनाएगा, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, सल्फर जो सल्फर यूज़ करेंगे, आयरन जो आयरन यूज़ करेगा। एक और आप लिख सकते हो इसमें मीथेन बैक्टीरिया जो मीथेन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक। जैसे मैंने आपको कहा था दो तरह की न्यूट्रिशन होती है, हेट्रोट्रॉफिक इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, कि बैक्टीरिया ज़्यादातर फोटो नहीं होते, ज़्यादातर ऑटो नहीं होते, वो हेट्रो होते हैं, ठीक है। हेट्रो में भी देखोगे तीन कैटेगरी है, सेप्रोफाइटिक आर दोज विच एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, सिम्बायोटिक विच लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि राइजोबियम किसके साथ मिलता है, लेग्यूम्स के साथ, है ना, पल्सेस, दाल, इन सब के साथ। एंड पैरासिटिक इज द वन विच डिपेंड्स ऑन होस्ट बॉडी, राइट, जैसे कि विब्रियो कॉलरी। सो विब्रियो कॉलरी जो है वो कॉलरा कॉज नहीं करता है हमारे बॉडी के अंदर आकर, तो हम उसके होस्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। सो रेस्पिरेशन दो तरह की है, एरोबिक एनारोबिक, यहाँ पे भी लिखा है। एरोबिक आर द वंस विच यूजेज ऑक्सीजन एंड एनारोबिक आर द वंस विच डू नॉट यूजेज ऑक्सीजन,
राइट। अब एरोबिक में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, वन इज ऑब्लिगेट एरोब एंड वन इज फैकल्टेटिव। सो ऑब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, मतलब दे आर स्ट्रिक्ट एरोब, दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, इसमें आता है बैसिलस सबटिलिस। वेयर एज फैकल्टेटिव एरोब्स आर दोज विच लिव्स इन एरोबिक कंडीशन, बट वेन एरोबिक कंडीशन इज नॉट अवेलेबल दे कैन स्विच टू एनएरोबिक कंडीशन ऑल्सो, मतलब वो ऐसे हैं दोनों कंडीशंस पे रह सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो मैंने पीछे बताए हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही एनारोबिक में भी दो कैटेगरी हैं, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में आएगा क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ऑब्लिगेट मीन्स ओनली एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ O2, दे कैन नॉट सर्वाइव इवन इन वेरी लो अमाउंट ऑफ O2। ठीक है, फैकल्टेटिव वही है जो एनारोबिक में रह रहे हैं और जब उनको ऑक्सीजन दोगे तो एरोबिक में भी स्विच कर जाएंगे, तो ये दोनों में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोनेरा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बहुत सारे बैक्टीरिया है विच आर यूज इन वेनेगर प्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज द बैक्टीरिया विच आर यूज इन वेनेगर प्रोडक्शन इज एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है ना वेनेगर, तो ये बनाता है। कर्ड एंड चीज के प्रोडक्शन में लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाएगा। ऑयल स्पिल कंट्रोल या बायो रेमिडिएशन के अंदर, देखो जब ओशंस में हम लोग ऑयल निकालते हैं तो बहुत सारा ऑयल क्या होता है, वाटर में मिक्स हो जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। उनकी बॉडी में वो पेट्रोल डीजल चला जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग इस बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। स्यूडोमोनास पुटीडा, जिसको सुपर बग भी बोला जाता है, ये क्या करता है, उन ऑयल वाले एरियाज को पूरा क्लीन कर देता है, ऑयल को डिग्रेड कर देता है और वाटर को बिल्कुल ऑयल फ्री बना देता है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में बैसिलस सबटिलिस जो है वो सबटिलिन एंटीबायोटिक बनाता है। फ्लेवरिंग में टी जो होती है, टी को प्रिजर्व करना, उसका फ्लेवर खत्म ना हो उसको प्रिजर्व करके रखना, उसमें होता है बैसिलस मेगाथीरियम, दिस इज द बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट इज फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग का मतलब होता है जो हम जूट फाइबर्स यूज करते हैं, फ्लेक्स यूज करते हैं, तो उन फाइबर्स को क्या होता है, इंडस्ट्री में प्रोसेस करा जाता है, बिकॉज इनिशियली वो फाइबर्स काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उनको हम इस बैक्टीरिया की सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी सॉफ्ट हो। तो द बैक्टीरिया विच इज यूज इन रेटिंग ऑफ फाइबर इज क्लॉस्ट्रीडियम पैक्टिनिवोरम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज है बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शॉर्ट नोट्स की वीडियो है ये, इसमें हमने मोनेरा तक डिस्कस किया है और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंगस, प्रोटिस्टा और इन सब के बारे में। ठीक है, इनकी सारी डिटेल वीडियो भी बनी हुई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट में, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी। दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।